अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम टीवी का सबसे ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसके आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनी खेज होंगे। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे दाऊद अली खान की वाइफ, उसे कहती है कि मुझे शामिर के ऊपर शक हो रहा है, शायद वो किसी लड़की से बातें कर रहा था और उसके हाथ में हर वक्त छोटा मोबाइल होता है। ये बात सुनने के बाद दाऊद अली खान कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि वाकई में मेरा बेटा मुझे धोखा दे रहा है। जिसके जवाब में वो कहती है, मैंने कब कहा कि आपका बेटा शामिर आपको धोखा दे रहा है, ये भी तो हो सकता है वो किसी और लड़की को पसंद करता हो और शायद वो लड़की वही है शिब्रा जिसको आपने जेल में डलवाया है। दाऊद अली खान चौंक जाता है और कहता है, नहीं नहीं शामिर ऐसा नहीं कर सकता, शामिर छोटे लोगों के मुँह क्यूँ लगेगा, दाऊद अली खान का बेटा है, इन छोटे लोगों के साथ उसकी औकात नहीं, एक बड़ा सियासतदान और बड़ा बिजनेस मैन बनेगा। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन मेरी माँ ने एक बार आप शामिर को बुलाकर आराम से पूछ लें, शायद वो आपको सच बता दे, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कोई ना कोई मसला है। यह बात सुनने के बाद दाऊद अली खान शामिर को बुलाते हैं और उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो छोटा मोबाइल हर वक्त पकड़ा होता है ये किस लिए है, मुझे किसी ने बताया तुम लड़की से भी बात करते हो। यह बात सुनने के बाद शामिर कहता है, छोटा मोबाइल तो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे फेंक देता हूँ, और दूसरी लड़की की बात ये कभी हो ही नहीं सकता। जिसके बाद दाऊद अली खान कहता है, बेटा मेरे पूरे माशरे में इज्जत है, कभी किसी छोटे लोगों के मुंह मत लगना, शिब्रा की हिमायत तुम करते हो, ये वही लड़की है जिसकी तुमने पहले भी हिमायत की थी। ये सुनने के बाद शामिर काफी परेशान हो जाता है। नाज़रीन, अब आप कमेंट में जरूर बताएं कि शामिर को क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।